के वंश में हो गए थे राजा अंग अंग के पुत्र हो गए थे बेन। बेन राजा बड़े दुष्ट थे, उनके माताजी के नाम है सुनीता। आपने सुना है सुनीति, सुनीति के पुत्र है ध्रुव जी और सुनीता उनके पुत्र के नाम है बेन जो था दुष्ट था। मतलब क्या है व्यासदेव जी, क्या समझाना चाहते हैं आपको? जिनके नियत सुंदर नहीं है वो है सुनीता, उनके बेटा तो ऐसी होगा जो दुष्ट राजा है तो खूब सताता था सभी लोगों को। तो उनका मृत्यु हो गया लेकिन उनके माता जी ने पुत्र के प्रति मोह होने से उसको रख लिया औषधि डाल के तेल के कढ़ाई में। आखिर तक ऐसी कब तक चलेगा मरे हुए शरीर को? लेकिन ऋषि लोगों ने वही शरीर को मंत्र के द्वारा मथा, पैर को मथा, हाथ को मथा, हाथ को मथने से राजा का जन्म हो गया था जो राजा के नाम है पृथु, जिनके सारे अंग में भगवान वासुदेव का ही चिन्ह धरा हुआ था। चिन्ह कैसी है? शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए थे, जिन्होंने जन्म से ही सत्य के गुण भरपूर प्रजा पालन किया और प्रजाओं को उपदेश किया। हे प्रजाओं आप लोग सुनो, मानव जीवन लाभ किया है तो इसको केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। जो मानव केवल भोग में ही लगा रहता है वो मानव पशु है, असुर है। अतएव इनका सार है आत्मज्ञान लाभ करना। जो नहीं करता है उनको नरक में धकेल दिया जाता है। यह चेद वेदी दत्तसत्तमस्ति, इसी जीवन में जिन्होंने आत्मज्ञान लाभ करने का यत्न नहीं किया है उनको नरक में धकेल दिया जाता है। बस अब पृथु महाराज ने प्रजा को समझा बुझा के भगवान की ओर लाया, प्रजाओं के सुविधा के लिए अच्छे तरीका से उनने धरती माता को सजाया। फिर देखा ये प्रजाओं, ये सज्जनों, मैंने जिसमें जन्म लिया था वो मेरा कर्म हो गया है, अब मुझे परम धाम यात्रा करना है। चले गए, उनकी पत्नी के नाम है अर्ची, एक है विष्णु भगवान के अवतार अंश से जन्म लिया और पत्नी विष्णु के साथ कभी भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी माई ही थी, नाम अर्ची। पति देव जब संन्यास लेके जंगल के ओर कदम बढ़ा दिया, मुझे संन्यास लेना है, भगवान की भक्ति करना है, हरि भजन बिने सुख नाहिए, हरि भजन बिने सुख नाहिए, हरि भजन बिना सुख नहीं। संसार में कोई भी चीज में सुख है ही नहीं, जो उनमें सुख समझता है उनके बराबरी में मूर्ख नहीं है। सुख केवल ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। बस पृथु जिन्हें मलयागिरी के ऊपर जाके तप कर रहे थे, अंतिम समय आ गया योग अभ्यास के द्वारा अपने प्राण को मूलाधार साधिष्ठान मणिपुर अनाघात विशुद्ध आज्ञा चक्र सहसा आज्ञा चक्र में स्थापन कर लिया।
श्री भगवान परमात्मा जी को स्मरण करते करते उनको शरीर छोड़ दिया। उन्होंने प्राण कहे सेणु काया मोरी, अब तुम मित न हो। प्राण कहे सेणु काया मोरी, अब तुम मित न हो। तुम सब मित बहु हम कीना, तुम सब मित हम बहुत कीना। चंदली ना कोई, चंदली ना कोई, हाँ कहे क्यों आया मोरी, हम तुम मित न होई। क्या कहते हैं काया सुनो, तुम्हारे साथ हमारा मित्रता कभी भी नहीं हो सकता है। तुम जैसे मैंने बहुत सारे मित्र किया, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं गया। कैसी सुंदर है, तुम्हारा शरीर को त्याग दिया। उनका शरीर त्यागने से उनकी पत्नी उनके पास ही थी, देखा अपनी पत्नी परम धाम को यात्रा कर लिया। मन में तो दुख हो रहा था, हमारे पतिदेव सती के मन में दुख हो रहा था। फिर सोच रही थी कैसे हम पति के पत्नी, जो पति परम धाम के लिए जंगल में आके तप करके खुद ही परम धाम पा लिया। सूखे सूखे लकड़ी पे इकट्ठे किया, अपने पति का शव को सुला दिया, अग्नि लगा दिया, बस परिक्रमा करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वही रानी अर्चने पति के साथ सती हो गई। वही अग्नि कुंड में जाके बैठ गई, पति का चरण चिंतन करते करते देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे और जय जय करते रहे थे। पितु महाराज की जय, अर्ची माता की जय, वासुदेव भगवान की जय।